यस बेटे, समास का अर्थ है, समासी शब्द करने तो पहला समास का अर्थ समझो। समास का अर्थ है जोड़ना, एक किसका वर्ग है वो भी नोट करो। समासी शब्द किसका वर्ग है, आप ऑलरेडी कितना है रचित शब्द का नोट करो। रचित शब्द का केड़ा केड़ा वर्ग है, समासी शब्द से दूसरा केड़ा बेटे बोलो, केड़ा वर्ग है दूसरा। समासी शब्द के दो वर्ग ने, उत्पन्न शब्द, उत्पन्न दे अगो दो ने अगेतर पिछेतर। ये तो तुहानू हुण अच्छी तरह हो गए ना। शब्द दो तरह के ने, केड़े केड़े, मूल शब्द रचित शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द जड़े अपने आप विच पूर्ण होन, किसे होर शब्द की सहायता तो बिना बने होन। रचित शब्द होंदे ने जेड़े के दूसरे शब्द की सहायता नाल बनन। ठीक है, रचित शब्द अगो दो तरह के ने, केड़े केड़े बेटे, समासी ते उत्पन्न। अज आप गल करांगे जेड़े उत्पन्न शब्द ने अगली टर्म च चले गए हुण तुहाडे अगेतर और पिछेतर सैकेंड टर्म का पार्ट हो गए। बच्चे इस टर्म च आप अगेतर पिछेतर नहीं करने हैं। ठीक है, आप करने हैं समासी, बहुआर्थक ते मुहावरे। तीन टॉपिक है अपने। अज आप गल करते हैं समासी शब्द। समास का अर्थ है जोड़ना। लिखो किवें जोड़ना, किवें जोड़ना, संबंधक जां योजक नूं हटा के। आप गल कर रहे सी कि समासी शब्द की जो कोई किस्म पूछी जाए कि नाम तो बनया, पड़नाम तो बनया, विशेषण तो बनया जां क्रिया विशेषण तो, संबंधक ते योजक तो बनया नहीं आ सकता। वह क्यों? क्योंकि संबंधक ते योजक नूं तां हटा के आप समासी शब्द बनाना है। समझ आई? संबंधक ते योजक लगा होएगा उन्हूं हटाना है तो की बनाना है, किवें बनाना? समासी शब्द बनाने लई की लगना? जोड़नी चिन्ह। की हटा के समासी शब्द बनाने लई की हटाना है? संबंधक ते योजक हटा के, जां सॉरी संबंधक जां योजक हटा के, दोनों थोड़ी लगे होंगे। चलो हुण तुसी दसो कि योजक किन्ना किस्मां च लगता है, संबंधक किहड़ियां किस्मां च लगता है। ये सारा तुहानू एक बारी अच्छी तरह करवाया होया। संबंधक सिर्फ दो किस्मां च लगता है। चलो जिन्हों संबंधक दीआं किस्मां पता ना, बाकी सारियां च योजक लगता। टोटल सत्त किस्मां ने। संबंधक किहड़ियां किस्मां च लगता है? संबंधक का मतलब हुंदा प्रपोजिशंस ते योजक का मतलब हुंदा कंजक्शंस। जिदे विच अते सिर्फ लगना है समासी शब्द का शब्द समूह बनाने लई। समासी शब्द का शब्द समूह बनाने लई बेटे की लगता है? अते ते जां दा दे दी ने नू नाल संबंधक। पर केड़ी किस्म है जिथे दा दे दी ने नू नाल लगता है? एक पर्टिकुलर किस्म है वाकंशा वाले ते उर्दू फारसी वाले। उर्दू फारसी च सिर्फ दो ही संबंधक लगने हैं। केड़े संबंधक लगने हैं उर्दू फारसी च? दा ते दी। पहले आई लिख लो, एक साइड ते लिख लोगे फिर तुहानू ईजी रहेगा। बाकी सब दा शब्द बनू, शब्द समूह बनाने लई की लगना बेटे? अते। इन्ना नोट कर लिया बेटे सब ने? फिर नोटबुक ते मेरे नाल नाल नोट करो। ग्रामर पाठ दक्ष साथ साथ बेटे नोट कर लो। पहले समास का अर्थ लिखो। वन मार्क क्वेश्चन आएगा। समास का अर्थ है तोड़ना, जोड़ना, इकट्ठा करना, मेल कराना। की आएगा? जोड़ना। किदे नाल जोड़ना? अगला क्वेश्चन लिखो। जोड़नी चिन्ह नाल, संबंधक नाल, योजक नाल, नाम नाल। की लिखोगे बोलो? की लिखोगे? जोड़नी चिन्ह नाल। पहला ये मेन क्वेश्चन लिख लो। समास का अर्थ है जोड़ना। समासी शब्द बनाने लई जोड़नी चिन्ह लगता है। जोड़नी चिन्ह किसकी किस्म है? चलो जे क्वेश्चन आ जाए, जोड़नी चिन्ह किसकी किस्म है? अपा प्रीवियस क्लास किता है, किसकी किस्म है? 13 किस्मां कितियां सी जिन्हां विचों जोड़नी चिन्ह भी आंदा? जोड़नी चिन्ह किसकी किस्म है? विश्राम चिन्ह दी। किसकी किस्म है? विश्राम चिन्ह दी। केड़ी किस्म? क्वेश्चन आएगा विश्राम चिन्ह की केड़ी किस्म है जिहड़ी समासी शब्द बनाउंदी है? यस, नोट कर लो। जोड़नी समासी
शब्द बनाने लई जोड़नी चिन्ह लगता है। विश्राम चिन्ह की केड़ी किस्म है जो समासी शब्द बनाने लई, ये थोड़े जे क्वेश्चन इदा घुमा के आने हैं। समासी शब्द बनाने लई जिसकी वरतों होंगी है उत्थे ऑप्शन दिती होएगी, डैश डंडी दी कौमे दी कि जोड़नी चिन्ह दी, ठीक है कि लिखोगे जोड़नी चिन्ह दी। नोट कर लो बेटे, अज आप सारे जे क्वेश्चन ही करने हैं। जोड़नी चिन्ह लगा के की बनता है, समासी शब्द बनता है कि बहु अर्थक शब्द बनते कि बहुते शब्द था एक शब्द के विरोधी शब्द, समासी शब्द बनते हैं। हूँ आप गल करिए जिहड़ियां आपां किस्मां कीतियां पहलां उन्हां दा टेबल बनाईए, फिर आपां तुहानूं एक नवां टॉपिक करावांगे जिहड़े रीजनिंग च आउंदे आ। समासी शब्द बनाउण लई थोड़ा जिहा तुहानूं सोचना पएगा, ओह किवें नाम नाल किहड़े समासी शब्द बनदे ने, पड़नाम नाल किहड़े बनदे ने, विशेषण नाल ते क्रिया विशेषण नाल, इह चार टॉपिक जिहड़े तुसीं प्रीवियस क्लासेस सिक्स तों लैके एट तक तुसीं नाम भी किते हुए आ, पड़नाम भी किते आ, ठीक है विशेषण भी ते क्रिया विशेषण। आप किस्मां नूं चंगी तरह लर्निंग करना, आप सानूं इन्ना पता होना चाहिए जिवें खुश की है विशेषण है कि विशेषण है कि नाम है विशेषण। ते जे नाम आ गया, आ देखो खुशी गमी किस किस्म दा समासी है, जिवें आ जाएगा खुशी गमी, इहदे च नहीं आएगा किस किस्म दा कि विरोधी अर्थ रखता है, इहदी थां ते पता की आएगा कि किसे सुमेल नाल बनिया समासी है, नाम प्लस नाम नाल, नाम प्लस विशेषण नाल, नाम प्लस क्रिया विशेषण नाल, ये किदे नाल बनिया होया, नाम प्लस नाम नाल। इदां लिखोगे नाम प्लस नाम, क्योंकि खुशी भी भाववाचक नाम है गमी भी भाववाचक नाम है। फॉलो माई पॉइंट। इदां दे चार किस्म आपां लर्न करनियां हन, सिर्फ अज दो भी कर लो ना बहुत है, कल्ली नाम ही कर लो, ठीक है समझ आ गई। इदां दे क्वेश्चन आने हैं पेपर, थोड़ा जिहा तुसीं सोचोगे तो सही कि कहड़ी किस्म है। इदां तां तुसीं लिख दिंदे हो विरोध अर्थ रखते समासी शब्द, समान अर्थ रखते समासी शब्द, भिन्न भिन्न अर्थ रखते समासी शब्द, ठीक है पर सुमेल तो किस तो बने ने, नाम प्लस नाम तो पहले वह लिख लो किहड़े किहड़े आने हैं जिन्हां दे सुमेल तो समासी बनते हैं। पहला नोट करो जिन्हां दे सुमेल तो समासी शब्द बनते हैं, नाम प्लस नाम एक पासे लिख लो, नाम प्लस विशेषण, नाम प्लस क्रिया विशेषण, पड़नाम प्लस पड़नाम। वो किवें होएगा पड़नाम प्लस पड़नाम, कोई दस सकदा, कोई एक वर्ड दसो, कोई बना के दसो पड़नाम प्लस नाम। पड़नाम बहुत रेयर बनेंगे, साढ़े तो हड़े विच कोई फर्क नहीं, साढ़े ते तो हड़े, ठीक है ना, असी तुसी सब एक हाँ, असी तुसी सब एक हाँ। पड़नाम मीन्स अ वर्ड यूज फॉर अ नाउन, नाम दी थां ते जड़ा वरत्या जावे वो तो बहुत रेयर होंगे ना पड़नाम, बोलो बेटे बहुत रेयर होंगे। वो बनाने हैं तो की हो गया पड़नाम प्लस पड़नाम ही आ सकता, बाकी तो कोई नहीं आ सकता। पड़नाम प्लस क्रिया भी नहीं बन सकती, पड़नाम प्लस क्रिया विशेषण भी नहीं बन सकता, वो समासी नहीं बनेगा, समझ आ गई। फिर है विशेषण प्लस नाम, ठीक है क्रिया विशेषण प्लस नाम। इहदा मतलब नाम वर्ड तां आंदा ही आंदा ना तकरीबन, देखो दाल रोटी नाम है, तुसी बना के देख लो तकरीबन सारे नाम ही ने, दाल रोटी घ्यो खिचड़ी सब नाम ने, मिट्टी कट्टा सब नाम ने, वस्तुवाचक नाम। साफ सफाई की हो गया, सफाई केड़ा नाम है, भाववाचक नाम है, सफाई है इत्थे बहुत सफाई है, ठीक है। साफ की है साफ विशेषण है, एक कमरा साफ है, किदी विशेषता बता रहे है कमरे दी, ये सोचना पैना है। साफ की है विशेषण प्लस सफाई की है नाम, विशेषण प्लस नाम,
समझ आ गई। आप एक एक पर्टिकुलर करांगे, आज सिर्फ नाम शब्द वाले करते हैं क्योंकि तकरीबन तुहानू नाम शब्द वाले तो बहुत सारे मिल जाने हरेक किस्म दे विच, ठीक है, क्लियर है। अगे चलिए, पहले लिख लिया किस सुमेल तो बने ने, किस सुमेल तो बने हैं विसमासी, चुनना है नाम प्लस नाम तो, पड़नाम प्लस पड़नाम तो, नेक्स्ट विशेषण प्लस नाम तो, नाम प्लस विशेषण तो, क्रिया विशेषण प्लस नाम तो, ठीक है, नाम प्लस क्रिया विशेषण तो। चार टॉपिक अपने माइंड च रख लो, नाम पड़नाम विशेषण क्रिया विशेषण, और हुने इन्हां दे बारे लिसन, इन्हां दे बारे आपां सोचिए कि अगे कि नाम कहंदे किन्नू ने, हर चीज का नाम नाम है, पर्टिकुलर नाम, ठीक है, आम नाम है, खास नाम है, इकट्ठवाचक नाम है, वस्तुवाचक नाम है, भाववाचक नाम है, ठीक है। तुहानू पता है आपां पर्टिकुलर किस्म का नाम नहीं दसना है, आपां सिर्फ की कहना नाम प्लस नाम, ठीक है। अज आपां नाम प्लस नाम वाले करिए कुछ शब्द समासी शब्द, चलो लिखो बेटे, नाम प्लस नाम वाले समासी शब्द करन तो पहला इन्ना लिख लिया बेटे सब ने, इन्ना समझ आ गया बेटे, सबनों क्लियर हो गया कि आज आपां समासी शब्द केड़े करने हैं। ये नहीं दसना कि केड़ी किस्म है, कि विरोधी अर्थ रखते है, समान अर्थ रखते है, भिन्न भिन्न अर्थ रखते है। आपां अज की करना है कि जेड़े समासी ने किस सुमेल तो बने हैं, सुमेल विच केड़े केड़े वर्ड केड़े केड़े सार्थक शब्दां दी किस्म आनी है, नाम प्लस नाम, नाम प्लस पड़नाम, पड़नाम प्लस पड़नाम ही होएगा, पड़नाम प्लस क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, ठीक है, पड़नाम प्लस विशेषण भी बहुत घट होएगा, सिर्फ पड़नाम प्लस पड़नाम ही है जेड़े रेयर बनने हैं, विशेषण प्लस नाम बहुत सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुश किस्मत, खुश की है विशेषण, वो खुश है, ते प्लस किस्मत की है, नाम है, एक ही बन गया खुश किस्मत, नाम प्लस विशेषण प्लस नाम, ठीक है। इतना सोच के करना पैना है, ध्यान नाल देखो हुण, नेक्स्ट लिखो, इन्ना क्लियर हो गया कि समासी शब्द बना ले की हटाना पैंदा है। चलो संबंधक वालियां दो किस्मा दसो, केड़ियां दो किस्मा हान जिन्ना वेच संबंधक लगदा है, इधर लिखो योजक वालिया किस्मा, इधर है संबंधक वालिया, पहले ए नोट कर लो, फिर आप करांगे नाम प्लस नाम वाले। योजक हटा के शब्द समूह, शब्द समूह तो समासी शब्द किवें बनाना है, किन्निया किस्म है बेटे, फाइव। योजक हटा के समासी शब्द बनाने वाली केड़ी किस्म है, नंबर वन समान अर्थ, समान अर्थां वाले समासी, अते हटा के, ठीक है, योजक केड़ा हटा के, अते हटा के, समान अर्थां वाले समासी। सेकंड वन इज, सेकंड वन इज, इधर आपां पहला एग्जांपल ही लिखते हैं उदाहरण दे तौर ते, कोई उदाहरण बोलो, प्रेम प्यार, हुण प्रेम प्यार किसे सुमेल तो बनिया, नाल ही लिख लो सुमेल, इस तरह लिखो अज सुमेल किस तो बनिया है, प्रेम प्यार किस तो बनिया बेटे, यस, नाम प्लस नाम, इस तरह लिख लो टेबल बना के, एक पासे योजक हटा के केड़िया किस्मा ने, देन उदाहरण, देन उन्हां दा सुमेल की है, फिर तुहानू इजीली लर्न हो जाएगा बेटे, समझ लगी। सब तो पहले किस्म लिखो, किस्म तो बाद लिखो उदाहरण, नेक्स्ट लिखो किससे सुमेल तो बनिया है, नेक्स्ट एक होर उदाहरण लिख लो, मिट्टी कट्टा, ये भी सेम है नाम प्लस नाम, अज आप करने ही नाम प्लस नाम वाले, ता जो तुहानू अच्छी तरह लर्न हो जाए।
ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿਣਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੋ ਆਦਰ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਬੇਟੇ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚੇ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਨੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਹਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਅੱਛਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਆ ਜਾਵੇ ਉਤਰਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਿਆ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਉਤਰਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਰਿਆ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਰਿਆ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਉਤਰਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹਨ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸਮ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸਮ ਬੋਲੋ ਦੋਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ ਦੋਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ PT2 ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ
टर्म दे लई काफी टाइम मिल जाना, वन मंथ अक्टूबर मंथ अपने कोल है रिवीजन लई। नेक्स्ट की है बेटे विशेषण प्लस प्लस विशेषण, विशेषण प्लस विशेषण। दोहराव वाली किस्म होगी बेटे नंबर फाइव। पांच किस्म ने जिन्हें अते लगता है, कोई किस्म दसो केड़ी किस्म रह गई। ओदे विच आपां ये नहीं लिख सकते, ओदे विच कोई सुमेल नहीं लिख सकते क्योंकि एक शब्द का अर्थ ही नहीं होना। सार्थक निरार्थक, सार्थक निरार्थक शब्दों वाले समासी जिदे विच सुमेल शब्द नहीं आना। सुमेल शब्द क्यों नहीं आना बेटे, क्योंकि एक शब्द का अर्थ है दूजे का कोई। हाँ जे सुमेल आएगा तो की लिखांगे, पहले वर्ड नूं ही फोकस करांगे, नाम प्लस, क्योंकि नाम नाल ही आना। चाह चू रोटी राटी पानी धानी वो तो नाम नूं ही फोकस करांगे। समझ आ गई बेटे कि कल्ला ही वर्ड आ गया कि किदे नाल बनिया आया है, पहला वर्ड की है नाम, पर आपां सुमेल नहीं देवांगे इत्थे क्योंकि इत्थे दूसरे वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। चाचू पानी धानी रोटी राटी, रोटी राटी, राटी का कोई मीनिंग नहीं, धानी का कोई मीनिंग नहीं। नेक्स्ट चलिए बेटे, पहला अज सारिया किस्मा भी रिवाइज कर ले, फिर तुसी असाइनमेंट करोगे। नेक्स्ट हूं दो किस्म ने जड़िया संबंधक हटा के, हूं पर्टिकुलर टू किस्म संबंधक हटा के दसो केड़िया दो किस्म ने संबंधक हटा के, संबंधक हटा के केड़िया दो किस्म ने। पहला उर्दू फारसी वाले करो जिदे विच दो ही संबंधक लगते ने दा ते दी। उर्दू फारसी विच ब्रैकेट विच लिख लो, उर्दू फारसी वाले जिन्हां विच ओनली दा ते दी इन्हां नूं हटाना है ते डबल जोड़नी चिन्ह लगना है। उर्दू फारसी दे विच डबल जोड़नी चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल शाने पंजाब, पंजाब दी शान, नेक्स्ट है विरासते खालसा। मैं हूं दोनों वर्ड के नाल दस दिता तुहानू दोनों संबंधक। इहदा जदों शब्द समूह बनाना है, इहदा जदों शब्द समूह बनाना है तो दी लगना है, इहदा जदों बनाना है तो बेटे दा लगना है। उर्दू फारसी दे विच दो ही संबंधक लगते हैं शब्द समूह बनाने लई, केड़े केड़े बेटे दा ते। अगली किस्म लास्ट, हाँ बेटे सुमेल नहीं आए, इन्हां दा सुमेल नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट बाई चांस जी आ भी जावे जोड़नी चिन्ह किदे सुमेल तो बनया, नाम प्लस नाम तो, नाम प्लस नाम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है लास्ट वन इज वाकंशा वाले, कुल किन्निया किस्मा हो गई जिहड़े वाकंशा वाले है ना, उन्हां दा शब्द जदों शब्द समूह बनाना है तो कोई एक संबंधक नहीं लगता, कोई सूटेबल संबंधक लाना जिहदे विच भी लग सकता है, नाल भी लग सकता, उत्ते भी लग सकता, अते तो लगना ही नहीं, अते तो योजक है, ठीक है। अते की है योजक, वो तो पहलियां पांच किस्मां तुहानूं दस्सतियां उन्हां विच लगना। वो पांच किस्मां केड़ियां हन रिपीट कर लो, समान अर्थां वाले, विरोधी अर्थां वाले,
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਰਾਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਦਾ ਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀ ਆਣਾ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾਈਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭੇਡ ਚਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾਓਗੇ? ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਵਰਗੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਰਗੀ, ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾਣਾ। ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਦਾ ਦੇ ਦੀ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਰ ਪੀੜ। ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਨੋ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਮੇਲ? ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਮੇਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ। ਸਿਰ ਪੀੜ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਪੀੜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਵਰਡਸ ਲਿਖੋ, ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ ਵਰਡਸ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਨਾਮ। ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ? ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।